वो बाजा भाई बाजा बाजा पावर बहुत है देख ऊपर बाजा गया है ये उरला भी देख ले ओ बाजा ये रे भाई देख लो और इसका वजन 1 टन तक चला जाता है और 10 से 12 फीट इसकी लेंथ जिनको गिद्दड़ बोलते हैं ना हम ये वो है भाई देख लो बड़ी कैट्स में आते हैं ये बैठे हैं एक ये है और एक वो है शेर है चीता है रंग बिरंगा मुर्गा चिंपैंजी और हिरन बारासिंगा ये देखो हे गाइस गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया हो गए भाई सारे आज मैं चल पड़ा हूँ कुरुक्षेत्रा पिपली में एक जू है हरियाणा में 2-3 जू हैं जिनमें पिपली भी एक जू आवे है यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में पिपली में एक जू है चिड़ियाघर दिखाऊंगे आज आपने पिपली वाला देखते हैं कैसे है वैसे तो मिनी जू बोलते हैं इसको लेकिन देखते हैं मिनी जू में क्या क्या मिलेगा मिलते हैं गाइस पहुंच गए हैं गाइस चिड़ियाघर और ये गाड़ी लगा दी हमने ये पार्किंग दिख रही है आपको देख लो ये देख लो भाई मेरे पीछे है पिपली जू जो कुरुक्षेत्रा में पड़ता है अभी चलते हैं अंदर जू में एंटर करते हैं कुछ ऐसी एंट्रेंस है इसकी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ से टिकट मिलती है यहाँ से अंदर चलेंगे अंदर करते ही आपको सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत सा रास्ता और फिर ये सामने देखो चिंपैंजी और हिरन बारासिंगा ये देखो कितना सुंदर एरिया है चलते हैं आगे बैठने के लिए सीटें लगी हुई हैं और सबसे पहले आपको सामने जो ये दिखाई देगी भाई ये देख लो ये है काला तीतर जो कि हरियाणा का नेशनल बर्ड है आगे चलते हैं बहुत पुराने पुराने पेड़ भी हैं ये देख लो सामने बरगद का पेड़ है कितना पुराना है आगे चलते हैं यहाँ लिख रखा है थैंक्स फॉर विजिट लेकिन हम अभी आए हैं आगे चलते हैं देखते हैं क्या कुछ है इधर देखें तो भाई बहुत बढ़िया खूबसूरत सी सीनरी बना रखी है इसके अंदर जोन जोन से भी जीव हैं एनिमल्स हैं उनकी देख लो भाई शेर है चीता है रंग बिरंगा मुर्गा और ये शियार लक्कड़बग्गा और वो देखो हनुमान लंगूर बारासिंगा हिरण स्नेक काफ़ी कुछ है गाइज इसमें अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको गाइज एंटर करते ही आपको यहाँ पे एशियाटिक लायंस दिखाई देंगे इनका वेट देखो भाई 200 से 275 किलो तक है और टॉप स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर दिखाते हैं भाई आपको अगर कोई होगा लायन बाहर वो देखो गाइज लायन बैठे हैं बाहर वो देखो भाई ये बैठे हैं एक ये है और एक वो है ये दो लायन है भाई यहाँ गाइज बड़े दुख की बात है कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में लगा लो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हम लोगों को आगे चलते हैं बाकी साफ सफाई बहुत अच्छी है भाई यहाँ देख लो आप साइड में कितना सुंदर पार्क है बैठने के लिए भी जगह बना रखी है यहाँ घूमते हुए आगे चलेंगे भाई पिपली जू के अंदर आओगे ना आपको फुल जंगल वाली फीलिंग आएगी और देखो कितनी अच्छी टैगलाइन है प्रोटेक्ट ओवर अर्थ टुडे फॉर ओवर चिल्ड्रंस टुमारो आगे आता है भाई इंडियन लेपर्ड इसका वजन होता है अप टू 140 pounds 21 साल इसकी एज होती है देखते हैं कोई लेपर्ड बाहर होगा वो देखो गाइज बैठा हुआ है दिखाते हैं आपको ठंड का मौसम है भाई ठंड के मौसम में बेचारा ये देखो ये बैठा है भाई लेपर्ड ये बैठा हुआ है देखो कितना प्यारा जीव है भाई कैट की प्रजाति का है ये देख लो आप बड़ी कैट्स में आते हैं ये पूरा पिपली जू दिखा देंगे आपको आज सारा घूम के हम वो एक सामने ही बैठा हुआ है वो देख लो सो रहा है अभी वो हेलो हेलो नहीं उठेगा भाई अभी और प्रोटेक्शन देख लो भाई कितनी ऊंची ऊंची ग्रिल लगा रखी है ताकि ये बाहर ना आ सके भाई इसकी स्पीड बहुत होती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग लेता है यार ये
वाओ, कुछ अलग से। ये देखो भाई हाइना, इसको बोलते तो इसको क्या बोलते हैं, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा बोलते हैं क्या इसको, लकड़बग्गा बोलते हैं भाई इसको शायद, देखते हैं। वो सामने लेटा हुआ है भाई, ये भी बड़ी खौफनाक प्रजाति होती है भाई, मांसाहारी होता है ये। ये देख लो सो रहा है अभी तो, ये देखो भाई पूरी कोशिश है दिखाने की साफ, ये बैठा हुआ है। एक ही है शायद भाई ये पूरे इसमें, ये बिल बना के रहते हैं जमीन के अंदर, और तो है नहीं कोई आस पास से, यही है भाई। इसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर होती है, देख लो मांसाहारी है, शक्ल देख लो कितनी खतरनाक होती है इसकी। पूरे पिपली जू को दिखा रहे हैं आपको आज हम, ये साइड में यही छोटा सा जंगल बना रखा है, जंगल टाइप में, लेकिन एक बात अच्छी है भाई, साफ सफाई बहुत है यहाँ, बहुत सुंदर बना रखा है पिपली जू। ये देख लो पूरी फीलिंग आ रही है जंगल वाली, बैम्बू भी लगे हुए हैं, ये देख लो भाई बैम्बू ट्री, ये सारे बैम्बू ट्री हैं। थोड़ा सा बच के आगे चलते हैं भाई, अब हम आए हैं जैकल, सियार बोलते हैं शायद जैकल को, अभी देखते हैं। ये देखो भाई कितने सारे अंदर, दिखाएंगे आपको उधर से, जिनको गिद्दड़ बोलते हैं ना हम, ये वो है भाई देख लो, इनको गिद्दड़ बोलते हैं, कुत्ते जैसे लगते हैं वैसे तो ये, लेकिन देख लो इनके वो घर बना रखा है इनका, भाग के घुस रहे हैं सारे अपने घर में भाई, ये मांसाहारी नहीं होते, ये देख लो आप इस घर में रहते हैं ये। कुरुक्षेत्र आओ, पिपली जू में जरूर विजिट करके जाओ भाई, देखो बहुत सुंदर बना रखा है। आगे चलते हैं क्या कुछ है गाइस। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे खतरनाक वाली चीज पे, जिसको हम बोलते हैं घड़ियाल। ये मगरमच्छ की ही प्रजाति का होता है, लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, और इसके भाई 50 दांत होते हैं, शार्प टीथ। देखते हैं कोई नजर आएगा तो भाई, ध्यान तो देखो, कुछ दिखा है तुमने इस पानी में, ये दांत बाहर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं घड़ियाल। मैं दो और रहे देख लो, आगे चलते हैं, फिर आते हैं क्रोकोडाइल। ये घड़ियाल के फादर साहब हैं भाई, देखते हैं कोई अगर होगा तो। बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए, अभी देखते हैं कहाँ है। ओ भाई साहब वो रहा देख लो सामने भाई, घूम फिर के एक मिला है मगरमच्छ, वो देखो भाई चल रहा है, जीवित है वो देख लो जिंदा है और हरकत में है पूरी भाई। इतनी पावर होती है इसके अंदर, इतनी पावर के हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो होती है ना, उस जितनी पावर होती है इसके अंदर, सेकंड से पहले चकनाचूर कर देगा हड्डियों को, ये देख लो। और इसका वजन 1 टन तक चला जाता है, और 10 से 12 फीट इसकी लेंथ हो सकती है, बल्कि ज़्यादा ही हो सकती है शायद, ये तो बहुत लंबा लग रहा है। और देखते हैं भाई कोई मिले तो इसके अंदर, शायद एक ही है इसमें पूरे पौंड में। आगे चलते हैं, ये इधर देखो भाई, ये भी पूरा फुल जंगल वाला फील, अंदर चलते हैं। ये आ गया भाई खालीज पीजेंट, ये देखो देखते हैं अभी कोई नजर आएगा तो इसके अंदर, वो देखो भाई बैठा हुआ है एक पीजेंट, वो भाई पूरा ठाडा है। तो ये रेड जंगल फाउल है भाई, रेड जंगल फाउल कितने सुंदर लग रहे हैं देख लो भाई, वो सामने वो देखो दाना चुग रहा है। फिर ये आते हैं हमारे मोर, ये रहा देखो मोर, तो भाई गाम गुम्मा मैर और जगह बहुत दिखा है, ये देख लो ये रहा मोर, ये देखो हमारा खेता में बहुत होया करे मोर तो, ये देख लो। फिर चलते हैं भाई ग्रे फ्रैंकलिन, तो पैरेट है अपना भाई ये तो, देख लो और देखते हैं क्या है। बाकी साइड में ये पीछे बैठने की जगह पूरा एरिया है, अगर आप पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आना चाहो ना भाई, तो पिपली जू बहुत अच्छा है घूमने के लिए, आओ बहुत बढ़िया है, पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हो अपने बच्चों के साथ। ये देखो
साफ सफाई पूरी है और बैठने की जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये एक ब्लैक बक होता है भाई, ये भी एक हिरण की प्रजाति होती है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पीछे है देखो भाई, वहाँ उधर अगर जाया गया तो उधर जाके दिखाने की ट्राई करेंगे आपको। वो देखो भाई, वो रे हिरण, एक एक वो ब्लैक वाला भी है वहां पे, वो देख, ये रे भाई देख लो, ये काला हिरण वही है भाई, सलमान खान उल जाया जिसके चक्कर में। आ जाओ आगे देखेंगे और काला हिरण, अभी अभी दिखाया मैंने आप लोगों को, आगे चलते हैं। शौचालय भी है, बहुत अच्छी चीज है भाई पिपली जू, हर फैसिलिटी है यहाँ देख लो आप, बैठने के लिए सीटें हैं, पिकनिक के लिए जगह भी है, पीने के लिए पानी भी है यहाँ, ये देख लो। आगे चलते हैं और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, चलिए आगे। गाइस 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 गाइस, ओ तेरे, ये देखो भाई हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस 1500 किलो तक चला जाता है इसका वजन। अभी देखते हैं भाई कहाँ है वो, रे वो रे भाई, ये देखो हिप्पोपोटामस। इसकी खास बात ये है भाई, 180 डिग्री तक अपना मुंह खोल सकता है, 180 डिग्री मायने रखता है, ये देख लो चमड़ी इतनी मोटी होती है इसकी, देख लो कितना सॉलिड है, देख लो भाई। और खास बात ये है भाई, ये मांसाहारी नहीं होते, ये अपने वेजिटेरियन होते हैं, ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, देखो साइज में देखो कितना बड़ा है, ये ग्रोथ इतनी नहीं हो रही इसके फेस की, ज्यादा ग्रोथ हो रही है, वो बुढ़ा हो गया शायद ये, है ना, देखिए राज्य हो रहा है इसकी फोटो तरन लाग रही ना, आशा देख वो एक और आ गया फोटो खिंचवाड़, इसी की उतारो मेरी भी उतारो ना ये आ गया भाई देख लो। बाकी सारी हरियाणा पानी में रह आ रही है, इसलिए पानी के अंदर रखा ही ना, देख लो कितने ठाडे हैं, देखिए भाई इसका मुंह दिखाऊंगे आपने, ये देख लो कितने लंबे लंबे दांत है, दिख रहे हैं भाई, ये है हिप्पोपोटामस, ये देख पूरा मुंह पानी में दे दिया इसने अपना, अरे अपना मुंह बाबा के दिखाओ मरद है भाई, कतिला बना लिए ये देख लो, कितने के सुते लग गए यार, जो अगर मैं ऐसी कट पे बैठ जाया अगर ना जोड़ में इनकी कट पे बैठने का जी कर रहा देख लो भाई, ये दो एरिया दे रखे हैं इनको, घूम के उधर भी जा सकते हैं ये, और ये पानी चल रहा है इनके लिए। वो बाजा भाई, बाजा बाजा पावर बहुत है, ऊपर बाजा गया है, ये उरला भी देख ले वो बाजा, ओए कसूती डाला बाजा गया भाई, भाई खाने का रोल आया है, वो नमटा जाएगा सारा खाना इसका, बड़ा मजा आया भाई इन्हें देख के, पुछड़ कती छोटी सी पुछड़ है और कान भी कती छोटे छोटे हैं इनके देख लो, होठ बड़ा गात और कान कती छोटे छोटे चलो आगे चलेंगे भाई। गाइस कती कसूता स्वाद आ रहा है, और ये देखो भाई एक और बढ़िया चीज दिखाऊंगा आपने, ये बैठे देखो, ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है यार, देखो फेस बिल्कुल ब्लैक, और वैसे बहुत पावरफुल होते हैं भाई, इनकी पुछड़ देख लोगे ना, आपको सुती लंबी पुछड़ ले रहे हैं, खड़ा नहीं है जी, खड़ा हो जाओ तो इसकी पुछड़ देखियो आप कितनी लंबी पुछड़ हो इनकी, ये दिखाऊंगा आपने मैं अगर दिखेगी तो, उधर से दिखाता हूँ आपको, वो देखो भाई पुछड़ लटक रही है इसकी, देखो कितनी लंबी पुछड़ है, बंदर की प्रजाति है ये। आगे चलते हैं, और यहाँ लिख रखा है भाई वन्य जीवों को खाना ना खिलाएं, क्योंकि इनको यहीं पे खाना बहुत अच्छा मिल जाता है, तो कृपया करके दानी ना बने यहाँ आके। आगे चलते हैं, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया भी है भाई, इधर जो मतलब इसके देख रेख वाले रहते हैं, और ये देखो ये कितना पुराना पेड़ है, और ऊपर देखो भाई छोटा सा घोंसला बना रखा है पंछियों के लिए, हरिन के लिए जो अपनी गिलहरी होती हैं। आगे चलते हैं, ये देख लिया भाई हमने पूरा पूरा जू कुरुक्षेत्रा पिपली जू, बताओ कैसा लगा, काफ़ी सारे जानवर हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगा भाई सारा देख कर, बहुत मज़ा आया, आप लोग बताओ वीडियो कैसी लगी, थैंक यू गाइज़।
एंजॉय करो व्लॉग को। गाइज आपने पिपली जू देखा, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।